हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। मौसम को लेकर अभी एक ताजा रिपोर्ट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत कई जिलों में अचानक बीते कुछ समय पहले तेज बारिश शुरू हो गई। झमाझम बारिश के चलते गर्मी से जूझ रहे लोगों को खासी राहत मिली है। वहीं आज भी यूपी के 40 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेशवासियों को अब पूरी तरह से हीट वेव कंडीशन से निजात मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे मानसून पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाला है। आज अचानक छाई बदली के साथ ही तेज हवा चलने के साथ ही नोएडा गाजियाबाद समेत यूपी के कई जिलों में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यूपी में बारिश और आंधी को लेकर 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अमेठी में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं जमकर बारिश हो रही है तो कहीं तेज हवाएं चल रही हैं। अचानक हुई बारिश से उमस बढ़ गई। पिछले 2-3 दिनों से चल रही हवाओं के चलते गर्मी कम नहीं हो रही है। चलिए जानते हैं कि किन किन जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। अम्बेडकर नगर में 24, आजमगढ़ में 12, बहराइच में 15, बलिया में 28, बलरामपुर में 17, देवरिया में 5, गाजीपुर में 7, गोंडा में 9, गोरखपुर में 22, लखीमपुर खीरी में 11, कुशीनगर में 5, महाराजगंज में 22, संत कबीरनगर में 13, सिद्धार्थनगर में 40, सीतापुर में 3, आगरा में 4, बरेली में 6, बिजनौर में 8, हमीरपुर में 8, कासगंज में 4, मुरादाबाद में 10, मुजफ्फरनगर में 4, पीलीभीत में 3, रामपुर में 3, सहारनपुर में 6, संभल में 3, शाजापुर में 3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें कि आप किन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है तो जो आपको बता दें, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, जालौन, औरैया, झांसी, इटावा, ललितपुर, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद जिले शामिल हैं। इन जिलों में मौसम विज्ञान विभाग ने अभी भी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच मौसम को लेकर यह भी खबर आ रही है कि वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के करीब 20 से अधिक जिलों में दिन का पारा 40 से नीचे लुढ़क गया है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, लेकिन कल से बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, क्योंकि लगातार 3-4 दिनों तक हल्की कहीं तेज बरसात के साथ ही तेज हवाएं चलने को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। अगर बात करें कि मानसूनी वर्षा की, तो मानसूनी वर्षा की मानक की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि लगातार 3 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड होगी और उस वर्षा का दायरा कम से कम 100 वर्ग मीटर का रहेगा तो उसे मानसूनी बारिश करार दिया जाएगा। वहीं कल अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने से अब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं अच्छी खबर यह है कि आज भी राजधानी दिल्ली समेत NCR में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश के साथ ही धूल भरी आंधी चलने को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।